फैन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में तुम सभी को बताने वाला हूँ पोकेमोन जर्नीस के काफी अमेजिंग अपडेट्स जो कि तुम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। जस्ट लाइक पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड नंबर 93, 94 और 95 के टाइटल भी रिवील हो चुके हैं। साथ ही पोकेमोन लेजेंड आरकेएस के प्रमोशन के लिए पोकेमोन कंपनी 4 स्पेशल एपिसोड्स को भी रिलीज करने वाली है, जिसमें एस और उसके फ्रेंड्स हिसुई रीजन में जाएंगे और साथ ही आरकेएस से भी मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इस वीडियो बिल्कुल एंड तक देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो बात करें सबसे पहले अपडेट को लेकर, तो अपडेट है पोकेमोन के न्यू स्पेशल एपिसोड्स को लेकर। बिकॉज तुम सभी को मालूम है कि पोकेमोन कंपनी पोकेमोन लेजेंड आरकेएस गेम को रिलीज करने वाली है जल्दी ही। सो दैट्स व्हाई इस गेम के प्रमोशन के लिए पोकेमोन कंपनी कुछ स्पेशल एपिसोड्स को रिलीज करने वाली है, जो कि पूरी तरीके से हिसुई रीजन और साथ ही पोकेमोन गोल्ड आरकेएस पर बेस्ड होने वाले हैं। और ये एपिसोड हम सभी को देखने को मिलने वाले 21 जनवरी और साथ ही 28 जनवरी को। लेकिन एक ट्विस्ट है, इन एपिसोड्स को पोकेमोन कंपनी रिलीज करेगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। और लीक्स के अकॉर्डिंग टोटल 4 एपिसोड होंगे, 2 एपिसोड हम सभी को देखने को मिलेंगे 21 जनवरी को और साथ ही 2 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे 28 जनवरी को। और जैसे तैसे करके तुम्हें कहीं ना कहीं एपिसोड जरूर से फ्री में मिल जाएंगे। और साथ ही इन एपिसोड्स की हमें कुछ पिक्चर्स भी देखने को मिली है, जस्ट लाइक तुम इस इमेज में एस गो और साथ ही डोन को देख सकते हो एशियन ड्रेस में। सो दैट्स व्हाई कंफर्म हो चुका है कि हमें इस एपिसोड्स में डोन का रिटर्न जरूर से वापस देखने को मिलेगा। और इसके लिए सब मिलकर हिसुई रीजन यानी एशियन सिनो में जाएंगे, तो वहां पर उन्हें काफी सारे पोकेमोन्स के हिसुई फॉर्म्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इसके अलावा हमें यहां पर काफी सारे एशियन पोकेबॉल्स भी देखने को मिले हैं। जो हिसुई रीजन है वहां पर इसी टाइप के पोकेबॉल्स यूज में लिए जाते हैं, और साथ ही ऐसे ही पोकेबॉल्स एस और उसके फ्रेंड्स को मिलने वाले हैं। और जो हिसुइन पोकेबॉल्स है वो हिसुइन वॉल्टो पर बेस्ड है। और हमें इन 4 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स में वॉल्टो के साथ काफी सारे पोकेमोन्स के हिसुइन फॉर्म्स देखने को मिलने वाले हैं। और इन एपिसोड्स में एस और उसके फ्रेंड्स मिलने वाले हैं पोकेमोन गॉड आरकेएस से भी। और तुम्हें मालूम होगा कि जो एपिसोड 90 था वहां पर हमें आरकेएस की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी, लेकिन यार जो एक्सक्लूसिव एपिसोड्स आएंगे वहां पर हमें और ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज यहां पर एस केचम और उसके फ्रेंड्स मिलने वाले हैं आरकेएस से। इसलिए मैं इन एपिसोड्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और बात करें पोकेमोन जर्नीस के नेक्स्ट अपडेट को लेकर, सो वो है पोकेमोन जर्नीस के अपकमिंग एपिसोड्स के टाइटल को लेकर। सो पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड नंबर 93 का भी पोकेमोन कंपनी ने ऑफिशियल टाइटल रिवील कर दिया है, क्योंकि ये और नेम इज फ्रांकोइज। और ये एपिसोड हम सभी को देखने को मिलने वाला 14 जनवरी को, मतलब कि इस एपिसोड के पहले के 2 वीक में कोई भी हमें एपिसोड देखने को नहीं मिलने वाला है। और पोकेमोन कंपनी लेने वाली है ब्रेक। और बात करें फ्रांकोइज के मतलब की, सो वो होता है मैग्नेमाइट। सो दैट्स व्हाई इस एपिसोड की स्टोरी लाइन हम सभी को कहीं ना कहीं मैग्नेमाइट पोकेमोन की तरफ जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा तुम प्रोफेसर साकुराकी के इस असिस्टेंट को तो जानते ही होगे, जिसका टी शर्ट पर हम सभी को हर टाइम मैग्नेमाइट की फोटो देखने को मिलती है। तो इसका भी इस एपिसोड में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हो सकता है हमें इसकी और मैग्नेमाइट की कोई स्पेशल स्टोरी जानने को मिल जाए, जस्ट लाइक प्रोफेसर साकुराकी की जो दूसरी असिस्टेंट है उसकी हमें पहले साइडक के साथ एक स्टोरी जानने को मिली थी। दैट्स व्हाई इस एपिसोड की स्टोरी लाइन पूरी तरीके से इन्हीं पर बेस्ड होने वाली है। और इसके अलावा बात करें पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड नंबर 94 को लेकर, इसका टाइटल है द हेराक्रॉस लॉस एंड द केलियोस इन लव। सो दैट्स व्हाई टाइटल से क्लियर हो चुका है इस एपिसोड में हमें गो के हेराक्रॉस की कोई ना कोई स्टोरी जानने को मिलने वाली है। जस्ट लाइक काफी टाइम पहले हमें हेराक्रॉस और पिंसर के बारे में एक स्टोरी जानने को मिली थी, हो सकता है कि अब इनकी लव स्टोरी के बीच में कोई ना कोई दरार आ जाए। लेकिन अभी इस एपिसोड में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन एपिसोड्स में क्या होने वाला है, बिकॉज अभी तक इन एपिसोड्स की कोई समरी भी नहीं आई है। लेकिन जब भी इन एपिसोड्स की समरी आएगी तो मैं इन एपिसोड्स का एक अपडेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब। और इसके अलावा बात करें पोकेमोन जर्नीस के नेक्स्ट अपडेट को लेकर, वो है पोकेमोन जर्नीस के एपिसोड नंबर 95 को लेकर। इसका टाइटल है फेयरवेल द वांडरिंग रॉकेट गैंग। और टाइटल में रॉकेट गैंग है, सो दैट्स व्हाई हो सकता है कि ये एपिसोड काफी टाइम बाद हमें टीम रॉकेट पर बेस्ड होते हुए मिल जाए, बिकॉज काफी टाइम हो चुका है टीम रॉकेट पर बेस्ड ऐसा कोई स्पेसिफिकली एपिसोड हमें देखने को नहीं मिला है। और अभी इन एपिसोड्स की कोई भी समरी नहीं आई, सो दैट्स व्हाई इतना कुछ हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन यार मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ पोकेमोन के जो आरकेएस पर बेस्ड होने वाले स्पेशल एपिसोड्स उनके लिए, बिकॉज वहां पर हमें काफी सारे न्यू पोकेमोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और क्या वहां पर हमें हिसुई टीम रॉकेट देखने को मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें इस चैनल पर जरूर से पोकेमोन लेजेंड आरकेएस का गेम प्ले देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यार प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि यार पिछले काफी टाइम से मेरी वीडियोस पर बहुत ही खराब रिस्पॉन्स आ रहा है। सो दैट्स व्हाई यार प्लीज सपोर्ट करो और कमेंट्स में जरूर से बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, और साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि तुम्हें पोकेमोन का ओपी कंटेंट सबसे पहले मिले। और हो सके तो फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक तुम सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पोकेस वर्ड साइनिंग आउट।